दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी सरबरा अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद मुल्क के नाम एक खत लिखा है। इस खत को पढ़ते हुए उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जेल से ही सरकार चलाने के मूड में है। मरकजी जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को जुमेरात को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इस वक्त सीएम केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। जज्बाती दिख रही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी वाले से नफरत नहीं करना, वो भी अपने भाई बहन हैं। मुल्क के सुपुर्द है जिंदगी, जल्द पूरा करेंगे वादा, बहुत दिन तक सलाखों में नहीं रहेंगे। तो सुनीता केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खताब करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि ईडी की कस्टडी में ही अरविंद केजरीवाल कम से कम 28 मार्च तक रहने वाले हैं। पूछताछ अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हो रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल एक खत लेकर आई जो अरविंद केजरीवाल ने मुल्क के नाम लिखा था और जज्बाती होकर उस खत को पढ़ती हुई सुनाई दी। आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर वन देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद।